good evening in today's lecture we will do the history of uh, district shimla and i had taken this material from the district administration shimla website so without wasting the time let's start so district shimla is bounded by mandi district kullu in the north kinnor in the east and state of uttarakhand in the south Sirmaur district in west and average elevation is 300 टू सिक्स थाउजेंड मीटर्स सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एवरेज एलिवेशन कितना है तीन सौ से छः हज़ार मीटर्स तक सो so, इसके बाद इसका जो नेम नूम से रिलेटेड है हमारे पास कि कभी बोला जाता है कि स्मॉल एक विलेज था बाकी आगे हिस्ट्री पे आएगा इस पर सो फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन को रीऑर्गेनाइजेशन होती है डिस्ट्रिक्स की हिमाचल की सो so, उसके बाद शिमला एग्जिस्टेंस में आता है तो थोड़ी हिस्ट्री करते हैं शिमला की हिस्ट्री देखो नाइनटीन सेंचुरी में आती है जब 1804 में गुरखा का वॉर होता है तो उसके उस टाइम में क्या होता है कि गुरखा के वॉर के टाइम में हमारे पास जो सिक्स से उनकी बैटल होती है उसके बाद में हमारे पास जो है गुरखा को हमें पता एटीन 1809 में बिल्कुल वैनिश किया जाता, जाता है स्टेज से भगाया जाता है हिमाचल से तो गुरखा ने बेसिकली बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे शिमला के सराउंडिंग में इनमें से सबसे स्ट्रांग है हमारे पास जगतगढ़ फोर्टेस जगतगढ़ फोर्टेस जो जिसको हम जतोग मॉडर्न डे में जो जुतोग नाम से जाना जाता है जहाँ पे मिलिट्री का कंटेनमेंट है वो गुरखा टाइम का बना है 1808 में क्या होता है इन्वेडर जितने भी होते हैं इसको पूरे एरिया को जो है कैप्चर कर लेते हैं यमुना और सतलज के बीच का कौन होते हैं इन्वेडर उस टाइम में गुरखाज होते हैं और उनकी कैपिटल को अपनी अर्की बनाते हैं ठीक है और उसके बाद जो रूलर्स होते हैं साइड नेबरिंग स्टेट्स के वो लोग ब्रिटिशर से हेल्प मांगते हैं तो ब्रिटिशर की फोर्स आती है डेविड ऑक्ट्रलोनी के उस पर कमांडिंग कमांड करते उसको और गुरखा से वो मुक्ति दिला देते हैं सराउंडिंग की जो भी हमारे पास ए, हिल स्टेट्स होते हैं उसके बाद हमारे पास टफेस्ट तो जो बैटल होती है वो थ्री सेवन फाइव जीरो का एल्टीट्यूड होता है रामगढ़ फ़ोर्ट और नालागढ़ में वहाँ पे होता है एक बैटल होती है बैटल ऑफ जो मल्हान फोर्ट होता है वहाँ पे मल्हान फोर्ट इस टाइम भी रामगढ़ में ही होगा आई थिंक तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर की देखो गन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है उनके पास जो वेपन्स काफ़ी एडवांस होते हैं तो फिफ्टीन में एटीन को जो है मल्हान के फो, जो फोर्ट बैटल होती है वहाँ पे उसके बाद गोरखा जो है यहाँ से भाग जाते हैं इसके बाद में हरा देते उनको ब्रिटिशर उसके बाद डिक्लेरेशन की जाती कुछ टाइम के बाद कि जो हमने लैंड दी थी उसको लैंड को हम रिस्टोर कर देंगे पर रिस्टोर करेंगे ब्रिटिशर की प्रोटेक्शन में एक टाइप से सब्सिडरी अलाइंस टाइप से तो महाराजा पटियाला थे उनको भी लैंड दी गई शिमला में ने हेल्प की थी अंग्रेजों की और ट्रीटी ऑफ सन्गौली नहीं आते देखो ये संगौली है ये सन्जौली लिखा है पर ये संगोली है इससे क्या होता है कि गुरखा को बोला जाता है कि पीसफुली आप इंडिया से जा सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को भी साथ में ले जा सकते हैं तो उसके बाद में कंपनी जो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सुबाथू कोटगढ़ रामगढ़ और संडोच वाली जो फोर्ट्स है उनको अपने पोजेषन में ले, ले लेता है प्रेजेंट ये जो शिमला है उसमें हमारे पास 19 अर्थ आयल प्रिंसली स्टेट्स आती है उसमें से कौन कौन सी है बल्सन है बुशहर है भज्जी है कोटी है इधर कोटी है थरोच है धाड़ी है कुमारसेन है खनेटी है डेल्ट है धामी है जुब्बल है और क्योंतल है रामीनगढ़ है रतेश है और शांगरी है का बुशहर रियासत इसमें अलग से दिया है बुशहर रियासत को सबसे ओल्डेस्ट रियासत मानी जाती है ऐसा बोलते हैं कि प्रद्युमन ने जो लॉर्ड ऑफ श्री कृष्णा थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी तो प्रद्युमन क्या करते हैं एक्चुअल में बाणसुर की लड़की होती है उनसे मैरिज करने आते हैं बाणासुर कौन होते हैं शोनितपुर शोनितपुर जो मॉडर्न डे में हमारे पास सराहन है उसका ओल्ड नेम हमारे पास शोनितपुर है वहाँ के राजा होते हैं बाणासुर उनकी लड़की से जो है प्रद्युमन ने शादी करनी थी तो प्रद्युमन आते इसके बाद में और बाणासुर की डेथ हो जाती है उस टाइम तक तो फिर बारह के सन नहीं होते कोई तो ऑटोमेटिकली जो गद्दी आती है वो उनके पास आती है प्रद्युमन के पास में सी एफ कैनेडी के अकॉर्डिंग बुशहर की जो आ, स्थापना है वह धनबर सिंह ने की थी धनबर सिंह वो बोलते कि चौदह सौ बारह में जो है धनबर सिंह नाम से कोई डेक्कन से राजपूत आता है वो इसकी स्थापना करता है सो ये हमारे पास न्यू पॉइंट हो गए मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब धनबर सिंह सी एफ कैनेडी की बुक में मैंशनड है उसके बाद नाइनटीन फोर्टीन में रेकोगनाइज किया जाता है पदम सिंह को लेजिटीमेट राजा रामपुर बशहर का अल्टीमेटली क्या होता है नाइनटीन फोटी एट में जो बुशर रियासत मतलब हिमाचल प्रदेश का पार्ट बन जाती है और डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंडर आ जाती है उसके बाद जुब्बल रियासत का है जुबल रियासत का हमारे पास एरिया टू एटी एट स्क्वेयर किलोमीटर था औरजनल ट्राइबरेटरी सिरमौर की थी पर गुरखा वॉर के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाती है तो राजा करम सिंह फाउंडेशन करते हैं हमारे पास जुबल स्टेट की जुबल इंडियन यूनियन का पार्ट बनता है फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन को मर्जर के टाइम में दिग्विजय सिंह यहाँ के राजा होते हैं उसके बाद हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में हमें पता है फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन को आती है इससे पहले क्या होता है कि जो महासू डिस्ट्रिक्ट है उसकी एंटिटी इसके बाद में उसको मर्ज किया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ में शिमला डिस्ट्रिक्ट का हेड नाम ऐसे हेडकोार्टर में भी शिमला पड़ता था दैट्स वाई इसका नाम हमें शिमला रखा गया था इस पे जो पर्टिकुलर हमारे नाइन सब डिवीजन है थर्टीन तहसील है ट्वेल्व सब तहसील है और टेन ब्लॉक से नॉट इम्पोर्टेंट विल विलास्क उसका शिमला टॉन का देखते हैं हम शिमला टॉन जो है वो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल कैपिटल बनती है ब्रिटिशर टाइम में तकरीबन एटीन सिक्सटी फोर में और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट हिल्स सबसे ऊंची है जाकूक हिल जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है प्रोस्पेक्ट हिल है ऑब्जर्वेटरी हिल है एलिजियम है समर हिल है सो इसके जो शिमला का ओरिजिन है इसके बारे में भी कॉन्ट्रावर्सी है फिलहाल मतलब हमें ऑथेंटिक सोर्स पता नहीं किससे हुई है तो पहले बोला जाता कि शामला गोडेस थी शामला मतलब ब्लू हाउस नीला घर जो है उनको वो मतलब एक जाखू में एक घर बनाया गया था ब्लू हाउस नाम से वहाँ पे माता शामला माता होते थे तो उनके नाम से बोला जाता है कि एक मतलब उसको कि शिमला रखा गया है कोई वर्जन बोलते कि ब्लू फीमेल है जो जैसे काली के नाम पे शा, शामला रखा गया है उसके बाद किसी टाइम में मतलब जो हमारे पास टेंपल था शामला काली का वो जाको हिल, जाको हिल्स पे था तो बाद में उसको जो है शिफ्ट करके हमारे पास जो भी प्रेजेंटली कालीवाड़ी मंदिर है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है शिमला देखो अन नोटिस रहता है गुरखा वॉर तक गुरखा के बाद जो है शिमला को मतलब अंग्रेज़ों की नज़र में आया था कि ऐसी नाम की कोई जगह है 1819 में क्या होता है पॉलिटिकल एजेंट आता है हिल स्टेट्स का लेफ्टेन्ट रोज लेफ्टेन्ट रोज उसको फर्स्ट सिटीज़न बोले जाते हैं और वो एक वुडन कॉटेज बनाता है अपने लिए फिर कैनेडी आता है कैनेडी एक पक्का हाउस सेलेक्ट करता है अपने लिए 1822 में जिसका नाम होता है हमारे पास कैनेडी हाउस सो फर्स्ट अगर पक्का हाउस की बात करें हम दैट वाज कैनेडी हाउस बिल्ट बाय लेफ्टेंट चार्ल्स पैट कैनेडी एंड अगर हम बात करें वुडन कॉटेज की तो लेफ्टेंट रोज ने सेटअप किया था एटीन में कंस्ट्रक्शन जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के स्टार्ट होती है एटीन फिफ्टी और फिफ़्टी वन में फर्स्ट लेब इसका था कालका से शिमला तक का और जो रोड शिमला तक बनती है एटीन सिक्सटी तक बन जाती है फाइव सिक्सटी मीटर की जो लॉन्ग टनल है वो डेली में बनाई जाती है जो अभी प्रेजेंटली है संजौली से आगे को जब डेली साइड को जाते हैं एटीन सिक्सटी फोर में शिमला को जो है कैपिटल बनाया जाता है समर कैपिटल शिमला की और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है शिमला को कैपिटल पंजाब की मनाया जाता है और लेटर इसको हिमाचल प्रदेश की कैपिटल बनाया जाता है नाइनटीन जीरो थ्री में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है कंस्ट्रक्ट होती है कालका जो शिमला होती है इधर थोड़ा इन्होंने ऐसा दिया है इसका देखो ये नॉर्मल से पॉइंट है कि ऐसे ऐसे स्नो पीक्स है सब सबको पता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेरोगेज लाइन है नाइनटीन ज़ीरो थ्री में बनी है ठीक है उसके बाद इनिशियल कैपिटल पंजाब की थी क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाद 1966 के बाद ये हिमाचल की कैपिटल होना शुरू गई आई होप इसमें से कुछ पॉइंट मिले होंगे जो आपकी कुछ एक जो